पदाधिकारी भी हैं, यहाँ जू के डायरेक्टर हैं। 20 मई को हुआ था जन्म और 8 महीना हो गया था। बिहार के आकर के इसको विजिट करें, देखें। बात करने वाले आदमी हैं आपके, एक मिनिस्टर हैं जो बार बार रामचरितमानस पर, देखिए उस पर हम कुछ नहीं, हम इस पर कुछ नहीं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं News 24, मैं हूँ आपके साथ रिया सुमन। 8 मंथ पहले जो 4 बच्चे बाघ का जो जन्म लिया था, उसकी आज उद्घाटन करते हुए तेजप्रताप पहुँचे जू। जी हाँ, उन्होंने 4 बच्चे का नाम भी दिया गया है, और जू पहुंचते ही उन्होंने 4 बच्चों को आज़ाद कर दिया, खुली पंछी की तरह उन्हें आज़ाद कर दिया, ताकि टूरिस्ट जो आते हैं उसको देखकर अपना लुत्फ़ उठा सके, और जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखने आते हैं जानवर के तौर पे, तो वो भी देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि किस तरह से पटना जू में लगातार जो है जानवरों की भर्ती होती जा रही है। हम आपको बता दें, ठंड को देखते हुए तेजप्रताप व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे। उन्होंने बताया कि जो 4 बच्चे बाघ का जो 8 मंथ पहले जन्म लिया था, उसका नाम भी रखा गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ठंड के काफ़ी जो ज़्यादा प्रकोप पड़ रहा है, इससे बच्चों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था भी करवाया जू के डायरेक्टर के द्वारा। आज हम आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे तेजप्रताप जी आज जू पहुँचे हैं। अब देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजप्रताप जी जू में, और पदाधिकारी भी हैं यहाँ, जू के डायरेक्टर हैं, PCCF हैं, सब लोग हैं यहाँ उपस्थित। तो 25 मई को हुआ था जन्म और 8 महीना हो गया था, तो उसको लोकार्पण आज हमने करने का काम किया, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है इसको कि लोग बिहार के आकर के इसको विजिट करें, देखें। किताब जी, आप पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, आपके एक मिनिस्टर हैं जो बार बार रामचरितमानस पर, देखिए उस पर हम कुछ नहीं, हम इस पर कुछ नहीं ग्रंथ बता रहे हैं, नहीं देखिए हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक चीजें हैं और इस पे हम नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस धार्मिक सभी लोग पढ़ते हैं, नहीं देखिए धार्मिक हैं वो, सब चीज अच्छी बात है, अपने जगह पे सब चीज सही है, लेकिन मैं इस पर ठंड ज्यादा है तो पशुओं के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? ठंड काफी ज्यादा बढ़ते हैं, एनिमल्स के लिए सब व्यवस्था है यहाँ। तेज प्रताप जी, उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि एक मिनिस्टर हैं, प्रोफेसर हैं, क्योंकि उनकी वजह से शिक्षा मंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अभी एक मंत्रिमंडल को लेकर के बड़ी, तो आपने देखा किस तरह से तेज प्रताप जी कहते नजर आ रहे हैं कि जो 4 बच्चे जन्म लिए हैं, आज उनको आजाद कर दिया गया, ताकि जो पर्यटन यहाँ पे दूर दूर से आते हैं देखने के लिए जू में, तो वो उन्हें देख सकते हैं, खुले आज़ाद कर दिए हैं। जो बाघ का पिंजरा है उसमें उनके बच्चे के साथ उनको रखा गया है, और उनके लिए विशेष कर उन पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो मात्र 8 महीने का है बच्चे, एक वाइट कलर का जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बच्चा है, और 3 और हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मस्ती करने में। और देखेंगे आपकी किस तरह से ये जो पटना जू है जो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ते नज़र आ रहा है। तेजप्रताप जी ने कहा है कि जिस तरह का जानवर चाहिए जू में, अब वो सारे उपलब्ध कराया जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। अब जो जो जानवर यहाँ पर नहीं है वो उसको भी लाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से पटना जू में जिस तरह से टूरिस्ट भरते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बीते दिनों आपने देखा 1 जन को कितने 30,000 की भीड़ पटना जू में था, और हम आपको बता दें आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर हम बता दें कि जू में पटना में काफ़ी तर ठंड में लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ठंड का मज़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं हरा भरा यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल आता है फेस्टिवल में खास तैयारी किया जाता है। तेजप्रताप का ये भी कहना है कि जिस तरह से हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं पटना जू में, उनका वेलकम भी बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ों का व्यवस्था हो गया जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था अच्छे रूप से किया गया, ताकि किसी भी चीज़ का परेशानी ना हो। और आप अगर हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन मदन के साथ रिया की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार।